भगवान की कृपा हुई, हमें तो गप्पे दे दिए नरेंद्र मोदी जी ने, हीरे जवाहरात दे दी, हमने तो मांगी थी 35 से 370 धारा की तो उम्मीद ही नहीं थी, 10 बार मर के जन्म ले लेते 370 धारा कभी ना हटती, ये मैं गारंटी से कहता हूं। एक चैनल में बहस हो रही थी जी टीवी में ताल ठोक के, एक नाम समार सुना होगा शबनम लोन, शबनम लोन एक पीडीपी के थे, एंकरों को चुप करा देती, मैं कहते नहीं ऐसी की तैसी देर से बहस करूंगा, 370 हटेगी, उसने कहा नहीं हटेगी, नहीं हटेगी, मैं ठोक ठोक के कहा हटेगी, मैं कहा नोटबंदी हुई चाय के गिलास हमारे हाथ में से ऐसे रह गए कि कोई खाना खा रहा था ऐसा रह गया, मैं कहा सर्जिकल ऑपरेशन हुआ, जब 18 जवान शहीद हुए जाके पाकिस्तान में घुस करके रातों रात 15 मिनट के अंदर 40-45 आतंकवादियों के कैंपों को उनको मार करके जिंदा शहीद की तरह जवान वापस आए, सुबह पता चला हमारे 40 जवान शहीद किए, आप सो रहे थे, जवान मौत का कफन बांध करके पाकिस्तान में घुस करके नरेंद्र मोदी जाग रहे थे, पाकिस्तान में घुस करके 350-400 आतंकवादियों को बेटे बकरे की तरह मार करके जो उसामा बिन लादेन बांधने वाले थे जिंदा शहीद की तरह वापस आए। और याद रखना एक बीजेपी के भी लीडर थे आरपी सिंह, उनको भी कहा मैं क्या आपको भी नहीं पता चलेगा, सुबह उठोगे तो और ही खबर सुनोगे, भगवान की कृपा हुई, सरस्वती माता की कृपा हुई, सुबह उठे तो 370 हट गई 370। फिर चैनल वाले बुलाने लगे, मैं कहा पढ़ाओ शबनम लोन को कहा है, आज तक शबनम लोन किसी चैनल पे मिली हुई नहीं, कभी बीमार होगी शबनम लोन, जो बड़े बड़े एंकरों को हिला देती थी, वंदे मातरम भारत माता की जय, राष्ट्रभक्ति के अंदर इतनी बड़ी ताकत और शक्ति है, बड़े बड़ों को हिला के रख देती है, पर मन के अंदर दिल से वंदे मातरम भारत माता की जय की बात होनी चाहिए।